द कपिल शर्मा शो का नया सीजन देखकर फैंस हुए निराश। शो में कृष्णा अभिषेक और मजेदार एक्ट की फैंस को कमी खली। कृष्णा अभिषेक, भारती और सुदेश लहरी इस बार नए सीजन का हिस्सा नहीं। जी हाँ, लंबे समय के बाद कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर से अपना कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो लेकर लौट आए हैं। इस बार इस शो में कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह और चंदन प्रभाकर जैसे कॉमेडियन नहीं दिखे। जब से इन तीनों कॉमेडियंस ने कपिल का शो छोड़ा है, तब से ही फैंस निराश है, जिसके बाद से शो में इस बार कई नए चेहरे भी दिखाई दिए। कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह और चंदन प्रभाकर के शो छोड़ने के बाद कपिल ने फैंस से ये दावा किया था कि नया अवतार और नया रंग रूप दर्शकों को खूब पसंद आएगा। इसलिए कपिल शर्मा अपने कॉमेडी शो के नए सीजन में नई कास्ट के साथ क्या कुछ नया लेकर आएंगे, इस पर हर किसी की नजर थी। लेकिन इस वीकेंड जब कपिल शर्मा का पहला 2 एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, तो फैंस को निराशा ही हाथ लगी। इस बार शो में कृष्णा, भारती और चंदन के ना होने से फैंस को उनकी खूब कमी खली। द कपिल शर्मा शो में पहले वीकेंड अक्षय कुमार और अकुल प्रीत सिंह अपनी कठपुतली के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे, तो वहीं एक्ट्रेस तमन्ना अपनी फिल्म बबली बाउंसर के लिए पहुंची थी। दोनों ही एपिसोड फैंस को पसंद नहीं आए। वैसे देखा जाए तो कपिल की नई टीम ने भी अपने जोक्स और अपने एक्ट के जरिए सबको हंसाने की भरपूर कोशिश की, पर लोगों को कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह और चंदन प्रभाकर की खूब कमी खली। फैंस को इन तीनों जैसा मजा नई टीम के साथ नहीं आया। लोगों ने कृष्णा अभिषेक का कभी सपना पार्लर वाली बनना, तो कभी जग्गू दादा जैकी श्रॉफ, तो कभी धर्मेंद्र का किरदार बनना काफी मिस किया। इतना ही नहीं, फैंस ने सोशल मीडिया पर शो की काफी आलोचना भी की है, साथ ही शो ना देखने की भी धमकी दे डाली है। फैंस का कहना है कि कृष्णा को वापस लाओ, वरना शो देखना बंद कर देंगे। इससे पहले जब कपिल शर्मा का शो सुनील ग्रोवर ने छोड़ा था, तब भी फैंस काफी दुखी हुए थे। उनके जाने के बाद मुश्किल लगता था कि उनकी कमी कोई भर पाएगा, पर सुनील की कमी कृष्णा अभिषेक ने दूर की थी। लेकिन अब कृष्णा की कमी कौन दूर करेगा, ये कहना मुश्किल है। उनका शो में ना होना फैंस को निराश कर रहा है। फैंस का कहना है कि कृष्णा अभिषेक के बिना शो सूना है, उनके बिना शो में कुछ भी नहीं। यूजर्स इस बात से भी दुखी हैं कि अब शो में कीकू शारदा का किरदार भी बदल गया है। लोग लगातार कमेंट कर कपिल के शो को बोरिंग और फालतू बता रहे हैं, और साथ ही शो के पुराने सभी स्टार कास्ट को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कपिल जी, यह सीजन में कोई कलाकार आपके स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता। कृष्णा के बगैर शो सूना लगता है। कीकू का कैरेक्टर भी आपने बदल दिया है। आपका ये सीजन बिल्कुल निराश करने वाला साबित होगा। तो एक यूजर ने कपिल के शो को महाबोरिंग कहते हुए लिखा कि बिना कीकू शारदा और बिना कृष्णा के ये शो एक महाबोरिंग शो लगा। फालतू की कास्ट भर कर तुम्हारा शो किसी रद्दी के कबाड़ से कम नहीं। इसी तरह लगातार यूजर्स कमेंट कर कपिल के शो को बुरा भला कह रहे हैं। बता दें, कृष्णा अभिषेक के नए सीजन का हिस्सा न होने की वजह उनकी फीस को लेकर बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक कृष्णा ने कम फीस मिलने की वजह से कपिल का शो छोड़ दिया था, लेकिन कृष्णा अभिषेक ने कपिल शर्मा से मतभेद की खबरों को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि द कपिल शर्मा शो उनका भी है। उनका कहना था कि वो बस कुछ दिनों के लिए शो से ब्रेक ले रहे हैं। वहीं द कपिल शर्मा शो के लेटेस्ट सीजन की बात करें, तो इस बार शो ने नए कॉन्सेप्ट के साथ वापसी की है। सीजन 4 में होस्ट कपिल शर्मा अपनी याददाश्त खो चुके हैं। वे अपनी पत्नी बिंदु यानी कि सुमोना चक्रवर्ती को नहीं पहचान पा रहे हैं। उनकी यादों को वापस लाने के लिए उनके ससुर सुंदर दास, सास रूपमती यानी कि गौरव दुबे और साला गोली यानी कि सतेंद्र सोनू उनके घर आ गए हैं। वहीं सिद्धार्थ सागर ने द कपिल शर्मा शो में धमाकेदार एंट्री कर ली है। बीते एपिसोड में सिद्धार्थ सागर सिंगिंग टीचर बनकर सबको हंसाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।